अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर फातिमा लियाकत, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंशियल क्रांट। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी क्रांट इन द बॉडी टिश्यू बाय स्टिमुलेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी क्रांट। एज द लो फ्रीक्वेंसी क्रांट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी क्रांट, दैट इज़ वाई इट टर्म्स एट इंटरफेरेंशियल क्रांट। यानी दो डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी के क्रांट लो फ्रीक्वेंसी क्रांट प्रोड्यूस करते हैं। IFC लार्ज मसल्स की स्टिमुलेशन के लिए यूज होता है, लो फ्रीक्वेंसी क्रांट है, डेप्थ पेनिट्रेशन करता है 2-5 सेंटीमीटर एंड एंडोजीनियस एपियॉइड मैकेनिज्म पर वर्क करता है, यानी कि बॉडी के एंडोर्फिन्स रिलीज करवा के पेन को कम करता है। 110 वोल्ट्स मीन हमें स्टेबलाइजर यूज करना है, ये बटन ऑन एंड ऑफ। स्टिमुलेशन क्रांट थेरेपी सिस्टम, स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए ये LED कंट्रोलर है। ABCD डिफरेंट मॉड्स हैं और ये चैनल 1 है और ये With leads, these electrodes are attached with channel 1 and with channel 2. NEMS is used for post-op weakness atrophy in edema with 1:1. Russian crown is for muscle strengthening. 100 hertz पे 2-3 bursts के साथ frequency muscle के size के according रख सकते हैं। Number of repetition 10-20. Program को change करने, increase और decrease करने के लिए ये keys use होती हैं। This is tense mode, ये B से हम इसके constant burst mode change कर सकते हैं। सी से फ्रीक्वेंसी एंड पल्स ड्यूरेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 250 एंड मैक्सिमल पल्स ड्यूरेशन 300 माइक्रोसेकेंड। डी की टाइम सेटिंग के लिए यूज़ होती है, जिससे हम टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अप टू 60 मिनट। CV इज़ फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एंड CC इज़ फॉर कांस्टेंट क्रांट। हाई वोल्टेज क्रांट स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होता है और रिडक्शन ऑफ डिसयूज एट्रोफी। हाई वोल्टेज क्रांट के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और डिफरेंट मॉड्स हैं, बर्स्ट मॉड, कांस्टेंट मॉड। मैक्सिमम पल्स ड्यूरेशन इज 100 एंड फ्रीक्वेंसी इज 7। हम पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन को भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। जो पेन रिडक्शन के लिए, फेशियल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज होता है। इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं 1-6। डिफरेंट मोड है, कांस्टेंट एंड पल्सिंग। फ्रीक्वेंसी है अप टू 400 और पल्स ड्यूरेशन 50-400 माइक्रो एम्पेयर। पोलैरिटी एंड टाइम हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एडजस्ट कर लेंगे। इंटरफेरेंशियल क्रांट जो कि टेंस की तरह ही काम करता है, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, वी स्वीप है और कैरियर फ्रीक्वेंसी 4 kHz है। IF यूज़ होता है लार्ज मसल्स के लिए और डीप पेनिट्रेशन के लिए। इंटरफेरेंशियल का पल्स ड्यूरेशन अप टू 250 है। EMS इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ब्रीड फ्रीक्वेंसी अप टू 250, चैनल 1, चैनल 2 जो कि कांस्टेंट और अल्टरनेटिव मोड पे रखे जा सकते हैं। देन रेस्टिंग एंड होल्ड सेकेंड्स जो कि मैक्सिमम 2.1, 30 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड 99 सेकेंड्स हैं। This is all about interferential crant. Thank you so much for watching the video.